हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस ड्रामा के पिछले पार्ट को नहीं देखे तो जरूर उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पोस्ट देख के तो सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो गए हैं। टीम मेंबर्स को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हान के साथ मिस्टर वांग का शादी होने वाला है। हान जब इस पोस्ट को देखती है वो भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी वह भी मिस्यो आती है और हान बाहर चली जाती है। तो मिस्यो जब पोस्ट को देखती है तो उसकी तो होंसी उड़ जाती है। इधर मिस्टर वांग मिस्टर नेम को कहता है, इस पोस्ट के अगेंस्ट में एक पोस्ट अपलोड कीजिए और जल्द से जल्द इस पोस्ट को हटवाइए। इधर पार्क इस पोस्ट को देख के मिस्यो को कॉल करता है। इधर मिस्यो पोस्ट को देख के तो बिल्कुल स्टैचू हो गई थी, लेकिन पार्क के कॉल आने की वजह से वो थोड़ा सा होश में आती है। तो वो कॉल पिक करने जाती है कि मिस्टर वांग वहाँ पे आ जाता है और कहता है, मिस्यो मुझे आपसे कुछ बात करना है। तो मिस्यो उनके साइड से उस रूम से निकल जाती है। मिस्यो को कितना बुरा लग सकता है, मिस्टर वांग ये समझ रहा था, इसलिए वो उनसे सॉरी कहता है। तो मिस्टर वांग उनको सारे सच बताता है और किम सूर्यों के बारे में भी बता देता है। और फिर से वो मिस्यो से माफी मांगता है और मिस्यो भी सिचुएशन को समझती है। तभी वो भी मिस्टर नाम आता है और मिस्यो वहाँ से चली जाती है। तो मिस्टर नेम कहता है, वो लोग उस आर्टिकल के अगेंस्ट में एक आर्टिकल को पब्लिश किया है। तो मिस्टर वांग कहता है, मिस्यो के साथ मेरा एक मीटिंग अरेंज कीजिए। इधर बार मिस्यो को बार बार कॉल करता है लेकिन मिस्यो कॉल पिक नहीं करती। तो वो मिस्यो से मिलने के लिए आता है। इधर वेबटून की टीम मेंबर्स आपस में बात करते हैं। कोई कहता है, मुझे लगा था मिस्टर वांग को मिस्यो पसंद है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ अलग ही स्टोरी है। क्या ये उनसे मतलब के लिए शादी करना चाहती है? और कोई कहता है, हमें नहीं पता था मिस हान अमीर घराने से है, लेकिन ये लोग दूर से ये सब बातें कर रही थी। लेकिन मिस्टर किम हान के पास चला जाता है और कहता है, हमें सच जानना है। हान कहती है, उस पोस्ट में जो भी था वो सब झूठ, मेरे साथ मिस्टर वांग का शादी नहीं हो रहा है। और इसी दौरान वो मिस्टर किम के ऊपर चिल्ला के बात कहती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। मिस्टर किम कहता है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि हान मुझ पे चिल्ला जो कहती है। मुझे लगता है इसे भी इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं थी, इसलिए ये इतना ज्यादा परेशान है। लेकिन मिस्टर किम कहाँ रुकने वाले थे, वो कहता है, कोई बात नहीं, ये मुझ पे चिल्ला सकती है, ये बॉस की होने वाली बीवी है। भाभी जी आप कहाँ हैं? मिस्टर किम ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हान मिस सियोन को कॉल करके कहती है, आपने ऐसा क्यों की मम्मी? मैंने आपको कही थी ना कि मैं मिस्टर वांग से शादी नहीं करने वाली हूँ। मिस सियोन कहती है, उससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वही होगा जो मैं चाहूंगी। और होटल में कितने दिन रहोगे, घर आ जाओ। और मिस सियोन ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि मिस्टर वांग ने उस दिन उनको कहा था किम सुजन जिन्हों के लिए कोई भी मायने नहीं रखती थी, इसलिए वो रिवेंज ले रही है। इधर मिन्यों का आज फास्ट डे है मिस्यो के टीम में असिस्टेंट के तौर पे, इसलिए वो आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। इसलिए वो सीधे ऑफिस में पहुंच के सबको हेलो कहती है। फिर देखती है वहाँ पे तो कोई भी नहीं है। फिर वहाँ पे एक टीम मेंबर आती है, मिन्यों को कहती है, क्या आप मिन्यों हैं? मिस्यो ने आपके बारे में कही थी, उस आर्टिकल की वजह से वो मिस्टर वांग से मिलने के लिए गई है। मिन्यों कहती है, कौन सा आर्टिकल? और फिर वो उस आर्टिकल को देखती है। इधर मिस्यो पार्क को कॉल करके कहती है, मैं तुम्हारा कॉल नहीं उठा पाई, क्या तुम उस आर्टिकल की वजह से फोन कर रहे थे? पार्क वहाँ से कुछ दूरी में ही खड़ा था। तो पार्क कहता है, हाँ। मिस्यो कहती है, टेंशन मत करो, मैं ठीक हूँ। पार्क कहता है, ये सब हुआ कैसे? मिस्यो कहती है, हान के मम्मी ने ये सब करवाई, वो भी किसी से परमिशन लिए बिना। पार्क कहता है, अगर कुछ होता है तो मुझे बताना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मिस्यो कहती है, तुम कहाँ पे हो? पार्क झूठ कहता है कि वो स्टूडियो में है। तो दोनों फोन कट कर देते हैं। मिस्यो कुछ भी बोले लेकिन वो ये सबसे बहुत उदास हो गई थी और पार्क भी ये समझ रहा था। तो वो मिस्यो के पास आने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन वहाँ पे मिन्यों आ जाती है और पार्क वहाँ से चला जाता है। मिन्यों कहती है, क्या तुम ठीक हो? मिस्यो कहती है, हाँ। मिन्यों कहती है, पर तुम्हें देख के ऐसे क्यों लग रहा है जैसे तुम्हारी दुनिया ही उजड़ गई है? मिस्यो कहती है, अगर मुझे पहले से पता होता तो शायद मैं इतना परेशान नहीं होती। मिन्यों कहती है, अगर मैं उसकी जगह में होती तो मैं भी तुम्हें कुछ नहीं बताती। उसने तो पहले ही इस रिश्ते के लिए मना कर दिया है, तुम्हें नहीं बताया ताकि तुम्हें बुरा ना लगे। उसके बाद मिस्यो मिन्यों को टीम मेंबर से मिलवाने के लिए लेके जाती है। इधर पापा मामी को उस पोस्ट को दिखाता है। पापा कहता है, इसने तो पहले ही अपने लिए लड़की देख रखी है फिर भी मेरी बेटी के साथ घूमता है। और मम्मी ये पढ़ के इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है, मिस्टर वांग को मारने के लिए जाती है। पापा उन्हें रोक के कहता है, ये सब क्या कर रहे हो? मम्मी कहती है, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रही है मैं क्या करूं? मैं उस धोखेबाज इंसान को अपने दामाद बनाने की कोशिश की, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ?
उसके बाद वो मैसेज के थ्रू गाली देती है और पापा भी उनके साथ टाइप करता है। इधर मिस्सी और उस पोस्ट को देख रही थी जो कि उनके पोस्ट के अगेंस्ट में की गई थी। तभी वह भी मिस्टर वांग आता है। मिस्टर वांग कहता है, आपने ऐसा आर्टिकल क्यों पोस्ट किया? मिस्सियन कहती है, मैंने तो बस हम दोनों फैमिलीज में शादी की बात चल रहा है ये रिपोर्टर्स को बताया। क्यों, मैंने कुछ गलत की? मिस्टरन कहता है, ये बात बहुत पहले ही खत्म हो गया है। मिस्सियन कहती है, तब तो मेरी गलती है, मुझे पता था तुम मिस्सियो से डेट करोगे लेकिन उससे शादी नहीं कर पाओगे। मिस्टरन कहता है, ये बात आपको सोचने की जरूरत नहीं है। मिस्सियन कहती है, सच में क्या तुम्हें जोंगयोंग के बारे में याद है? मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि पार्क बिल्कुल उसके जैसे ही देखता है और वो मिस्सियो के करीब भी है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये इत्तेफाक है कि हम चारों फिर से मिले? क्या तुम भूल गए हो कि मिंजू और जोंगयोंग के बीच में कैसा रिश्ता बना जब जिन्हो चला गया था? मिश्रोंग कहता है, मुझे लगता है उन तीनों में जो भी हुआ हो आपको उससे कोई भी फायदा नहीं हुआ। मिस्सियन कहती है, पर जिन्हो को मिंजू नहीं मिला था। मिश्रोंग कहता है, मैंने आपको इसलिए इस टाइम बुलाया, मुझे पता चला कि हॉस्पिटल का सर्वर हैक हो गया है और मेरे मेडिकल रिपोर्ट्स लीक हो गए। मुझे यकीन है कि आपको पता है इल्लीगल मेडिकल रिपोर्ट्स को चोरी करने पर क्या सजा होता है। मिस्सियन कहती है, तुम तो मुझे ऐसे कह रहे हो कि मैंने कुछ गलती की है। मिस्टर वांग कहता है, वो तो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही पता चलेगा। मतलब कि मिस्टर वांग को पता चल गया है कि ये हैक मिस्सियन ने करवाई है। और फिर कहता है, मैं आपसे दोबारा किसी पर्सनल इशू की वजह से नहीं मिलना चाहता। और फिर वो वैसे जाने लगता है तो मिस्सियन कहती है, मुझे भी तुमसे कुछ पूछना है, तुम साइकोलॉजी थेरेपी क्यों लेते हो वो तो समझ में आती है, पर मिस्सियन क्यों लेती है? क्या ये सब उसके पिछले जिंदगी से रिलेटेड है? मिस्टर वांग कहते हैं, मुझे लगता है आपको ठीक तरह से मेरी वार्निंग समझ में नहीं आई। और फिर वो वैसे चला जाता है। इधर ऑफिस में मिस जो योग्यो गर्ल की वेबटून की अच्छी कमेंट्स को लिस्ट आउट करती है और कहती है, क्या ये काम करेगा? मिस जो कहती है, हमें उसे इसी कमेंट्स के जरिए मनाना पड़ेगा और उससे भी नहीं मानी उसके सामने हमें गिड़गिड़ाना पड़ेगा। तभी उन्हें मिस्टर वांग कॉल करता है और ये देख के मिस जो वहाँ से चली जाती है। मिस्टर वांग कहता है, क्या आज तुम मेरे साथ डिनर में चलोगी? मिस जो कहती है, नहीं, क्योंकि आज मेरे योग्यो गर्ल से मीटिंग है। इधर हान उस पोस्ट से बहुत ज्यादा परेशान थी। नए पोस्ट पढ़ने के बाद वो सोचती है, पता नहीं पार के नया आर्टिकल पढ़ा या नहीं, पर क्या मुझे उसे पर्सनली समझाना चाहिए? उसके बाद वो अपने ऑनलाइन फ्रेंड से पूछती है, मैं अपने क्रश के मन की गलतफहमी को दूर करना चाहती हूँ पर मैं इस टॉपिक में बात नहीं कर पा रही हूँ, मुझे अभी क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड कहती है, तुम उससे गलती से कॉल करो और फिर बात करो, या फिर उससे कुछ मदद मांगो और साथ में अगर ड्रिंक और चिकन होगा तो और भी अच्छा है। इधर मिस्सियन अपने मैनेजर से कहती है, मिस्सियो के थेरेपी की वीडियो मुझे चाहिए, मुझे पता है कि वो लोग अक्सर थेरेपी के टाइम वीडियो बनाते हैं। मैनेजर कहता है, लेकिन मैम ये ज्यादा खतरनाक होगा क्योंकि मिस्टर वांग को पहले हैक के बारे में पता है। मिस्सियन कहती है, कोई दूसरा तरीका अपनाओ लेकिन मुझे वो वीडियो चाहिए। इधर मिस्सियो योग्यो गर्ल को उसी कमेंट के लिस्ट को दिखाती है। योग्यो गर्ल कहती है, मुझे तो यकीन ही नहीं होती कि मेरे इतने सारे दीवाने हैं, 2 लाख से भी ज्यादा लोग मुझे पढ़ते हैं। मिस्सियो उसकी मम्मी को कहती है, आप ही सोचिए, अगर योग्यो गर्ल का काम घटिया होता तो क्या उसके इतने सारे दीवाने होते? बहुत सारे तो उसके आने वाले सीरीज की इंतजार भी कर रहा है। मम्मी कहती है, वो भी उसी लेवल के है। तुम्हें सच में लगता है जो लोग सोफिस्टिकेटेड होते हैं वो लोग ये सब पढ़ते हैं? क्या ये घटिया चीज पढ़ने के लायक है? तभी वहाँ पे मिस्टर वांग आते हैं। अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद मिस्टर वांग कहता है, मुझे लगता है आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के सिलसिले में आए हैं। मैं चाहूंगा आप एक बार और सोचिए क्योंकि मैं भी योग्यो गर्ल के वेबटून की फैन हूं। ये सुन के तो बाकी सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। मम्मी कहती है, आपका मतलब आप ये सब घटिया चीज पढ़ते हैं? आप झूठ बोल रहे हैं ना? मिस्टर वांग कहता है, आपकी वो सीरीज बेबी यू आर किलिंग मी सीरीज मुझे बहुत पसंद है। योग्यो गर्ल कहती है कि सच में आपने मेरे वेबटून को पढ़ा है? मिस्टर वांग कहता है, आपका नया सीरीज भी मैं 5 बार पढ़ा हूँ। मम्मी को तो उनके बात पे थोड़ा सा भी विश्वास नहीं होता इसलिए पूछती है, तो बताइए कि पेज 27 में क्या है? मिस्टर वांग बिल्कुल करेक्ट बता देता है। मम्मी जब चेक करती है वो तो बिल्कुल शॉक हो जाती है, मतलब कि मिस्टर वांग सच में उसकी वेबटून पढ़ता है। उसके बाद मिस्टर वांग कहता है, मैडम बोबरी और डी कैमरन को उनके टाइम में इस तरह के क्रिएशन के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है लेकिन अब उनके उसी क्रिएशन को वैल्यूएबल लिटरेचर माना गया है। मिस्सियो कहती है, योग्यो गर्ल की क्रिएशन को लिटरेचर माना जाएगा जो कि सोफिस्टिकेटेड लोग भी पढ़ेंगे। ये सब सुनने के बाद मम्मी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की बात से हट जाते हैं। इससे ये तीनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। योग्यो गर्ल दोनों को ही थैंक यू कहती है और मिस्सियो कुछ ऐसा करती है। बाहर में मिस्सियो मिस्टर वांग से पूछती है, क्या सच में अपने उसके वेबटून पढ़े हैं? मिस्टर वांग कहता है, इस प्रॉब्लम
प्रॉब्लम को सॉल्व करने का यही तरीका था। तो चले डिनर पे। उसके बाद वो अपनी मम्मी को कॉल करती है। मम्मी कहती है, बेटा मैं उस पोस्ट को देख के इतना गुस्सा हो गई। मैं बहुत बुरी बुरी कमेंट की थी, लेकिन सेकंड पोस्ट देखने के बाद मैं उस कमेंट को डिलीट करने के लिए गई, लेकिन वो डिलीट नहीं हुई क्योंकि पहले से उसे किसी ने रिपोर्ट कर दी है। मुझे लगता है ये काम मिस्टर वांग का है। पता नहीं वो हम लोगों के बारे में क्या सोच रहा है। मिस्टर कहती है, मम्मी आप परेशान मत होइए, मिस्टर वांग ने उस कमेंट को नहीं देखा। उन दोनों को ये सुन के थोड़ा सा तसल्ली हुई। फोन कट करने के बाद उनके डोर पे कोई नॉक करता है। वो दोनों जब देखने जाता है वो एक पुलिस था। एक्चुअली में वो पुलिस पेट्रोल डिविजन से आया था, लेकिन इन दोनों को लगता है वो पुलिस मम्मी के उस कमेंट की वजह से आए हैं। मम्मी तो ये सब से बहुत ज्यादा डर जाती है। पापा कहता है, वो लोग जरूर हमारे इंटरनेट एड्रेस की वजह से तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पे आए हैं। मतलब कि सारी फसाद की जड़ है ये फोन। और फिर उसे बाहर फेंक देता है और फिर कहता है, जिससे वो कमेंट हुआ था वो घर के बाहर है, मतलब कि तुम अब सेफ हो। बाहर वो पुलिस परेशान होकर वहाँ से चला जाता है और मम्मी के फोन में एक मैसेज आता है, पुलिस आपके पेट्रोल डिविजन की आईडी को हिरासत में लेता है। इधर घर में पार्क मिस्यो के लिए बहुत ज्यादा परेशान था, इसलिए वो मिस्यो को मैसेज करता है। इधर मिश्रो वांग मिस्यो के लिए पास्ता बना रहा था और फोन मिश्रो वांग के पास था। मिस्टर वांग उस मैसेज को देखता है, लेकिन मिस्यो के वहाँ पे आने के बाद वो उन्हें ये बात नहीं बताता। मिस्टर वांग बहुत अच्छे से वेजिटेबल्स को काट रहा था। मिस्यो बार बार उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर वांग बहुत मन लगा कि वो काम कर रहा था, इसलिए वो उनसे ज्यादा बात नहीं करता। तो मिस्यो मिस्टर वांग को बेबी यू आर किलिंग मी वेबटून की रोमांटिक सीन्स की याद दिलाती है और मिस्टर वांग ये सब सुन के थोड़ा सा शर्मा जाता है। उसके बाद वो दोनों हर एक रोमांटिक सीन को रिक्रिएट करते हैं। इधर वांग के घर के बाहर हान पार्क से मिलने के लिए आती है, तो अंदर जाने के बजाय वो बाहरी पार्क के लिए वेट करती है। इधर पार्क मिस्यो के लिए पास्ता लेके आता है और बहुत खुश रहता है, तो पार्क डायरेक्टली अंदर चला आता है। तो यहाँ पे इस एपिसोड का एंड होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।